नमस्कार, वेलकम एट इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। टुडे वी विल रीड अबाउट द प्यूरिटन प्रोज राइटर्स। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जॉन बनियान 1628 to 1688। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? जॉन बनियान के बारे में और दूसरे प्यूरिटन एज के जो प्रोज राइटर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट इनके वर्क्स को देख लेते हैं। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियान सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं अपने वर्क पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के लिए। 1678 में ये वर्क आया था। एन एलिगोरिकल वर्क के आफ्टर स्पेंसर्स फेयरी क्वीन इन दांतेस डिवाइन कॉमेडिया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जॉन बनियान का ये वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये एक एलिगोरिकल वर्क है और फेयरी क्वीन और दांते के बाद इसी का रैंक आता है। अपील्स टू पीपल ऑफ एवरी एज एंड कंडीशन। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में क्या किया गया है, हर कंडीशन और हर एज के पीपल के अपील करता है इनका ये वर्क। नेक्स्ट इनका वर्क है द होली वॉर 1665, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ बनियान, अ प्रोज पैराडाइज लॉस्ट इन रिमार्केबल एलिगरी। तो 1665 में जो वर्क आया था द होली वॉर, ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है और इसे प्रोज पैराडाइज लॉस्ट कहा जाता है। बिकॉज मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो प्रोज नहीं है, वो वर्स फॉर्म में है और ये प्रोज फॉर्म में है, इसीलिए इसको प्रोज पैराडाइज लॉस्ट कहा जाता है। ये भी एक रिमार्केबल एलिगरी है इनका। ग्रेस अबंडिंग टू द चीफ ऑफ सीनर्स 1666 में ये वर्क इनका आया था। वन कैन गेट द क्लियरेस्ट इंसाइट ऑफ बनियान्स लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि इस वर्क में बनियान की जो लाइफ है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में क्लियर इंसाइट मिल सकता है इस वर्क को स्टडी करने के बाद। ग्रेस अबंडिंग टू द चीफ ऑफ सीनर्स, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन 1682 में ये वर्क आता है जॉन बनियान का। अ रियलिस्टिक कैरेक्टर स्टडी विच इज अ प्रीकर्सर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। इसमें कैरेक्टर को रियलिस्टिक फॉर्म में स्टडी किया गया है और ऐसा कहा जाता है कि इनका ये जो वर्क है वो कहीं ना कहीं प्रीकर्सर है मॉडर्न नॉवेल का। मतलब एक मॉडर्न नॉवेल के लिए ये पाथ क्या कर दिया, इसने जनरेट कर दिया है और कहीं ना कहीं वहीं से मॉडर्न नॉवेल जो है अपनी धीरे धीरे प्रेजेंट जो फॉर्म है उसमें आने लगा। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1684 में आता है इसका सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो 1678 में आया था और सेकेंड पार्ट आता है 1684 में। शोइंग द जर्नी ऑफ क्रिस्टियाना एंड हर चिल्ड्रेन टू द सिटी ऑफ ऑल डिलाइट। तो जो क्रिस्टियाना और उनके बच्चे हैं उनकी जर्नी के बारे में इसमें बताया गया है और साथ ही ऑल डिलाइट वाला जो शहर है उसके बारे में बताया गया है सेकेंड पार्ट पिलग्रिम प्रोग्रेस के 1684 में। और फर्स्ट पार्ट कब आता है, 1678 में। नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट बर्टन 1577 to 1640। जॉन बर्टन के वर्क्स देख लेते हैं। बर्टन इज फेमस चीफली एज द ऑथर ऑफ द एनाटॉमी ऑफ मिलांकली। जॉन बर्टन चीफली किस वर्क के लिए पॉपुलर हैं, ये फेमस हुए एनाटॉमी ऑफ मिलांकली। ये इनका वर्क बहुत ही फेमस रहा है, 1621 में आया था। वन ऑफ द एस्टोनिशिंग बुक्स इन ऑल लिटरेचर। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी लिटरेचर हैं वर्ल्ड में उसमें सबसे एस्टोनिशिंग बुक्स में से एक है। इट बिगन एज मेडिकल ट्रीटिस ऑन मॉर्बिडनेस अरेंज्ड एंड डिवाइडेड विद ऑल द एग्जैक्टनेस ऑफ द स्कूल मैंस डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्ट्राइन। तो ये जो मेडिकल ट्रीटिस है मॉर्बिडनेस पे बेस्ड है और साथ ही अरेंज्ड एंड डिवाइडेड विद ऑल द एग्जैक्टनेस। इसमें स्कूल्स डिमोन्स्ट्रेशन जो डॉक्ट्राइन है स्कूल डिमोन्स्ट्रेशन की, उसमें जो भी एग्जैक्टनेस है वो सब बताने की कोशिश की गई है इन्होंने एनाटॉमी ऑफ मिलांकली में। कहीं ना कहीं मिलांकली शेड मोड तो थोड़ा सा उसी टाइप का ही इसमें बताया गया, मॉर्बिडनेस भी कहीं ना उसी चीज़ को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन इज सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन 1605 to 1682 इनका टाइम फ्रेम है। His great work is Religio Medici or the Religion of a Physician 1642 get unusual success। तो इनका जो great work है वो है Religio Medici, second title इसका है the Religion of a Physician, जो कि 1642 में आता है और बहुत ही ज़्यादा ये success रहता है, इनका work successful रहता है। The two other works are Vulgar Errors 1643
1646 में आता है, अ क्यूरियस कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक एंड क्रेडुलस रिसर्च इन द मैटर ऑफ पॉपुलर सुपरस्टिशन। तो इनके दो वर्क और भी हैं, जिसमें एक है वल्गर एरर्स, 1646 में आता है। इसमें क्या बताया गया है, जो सुपरस्टिशन, पॉपुलर सुपरस्टिशन होते हैं, उसके मैटर पर रिसर्च किया गया है, साइंटिफिक और क्रेडुलस रिसर्च का एक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करता है ये। एंड अनबरियल जो है इनका वर्क है, अ ट्रीटिस सजेस्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ रोमन बरियल अर्न्स एट वॉल्सिंगम। तो ये जहाँ पे रोमन बरियल अर्न्स है वॉल्सिंगम में, उसी के बारे में एक ट्रीटी सजेस्ट करता है इस वर्क। फ्रॉम द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज हिज बेस्ट वर्क। ऐसा माना जाता है कि लिटरेरी पॉइंट से देखा जाए तो अर्न बरियल जो है थॉमस ब्राउन का बहुत ही फेमस वर्क है, बेस्ट वर्क है एक तरह से। लेकिन पॉपुलरिटी के बेस पे इनका पॉपुलर वर्क जो है रिलीजियो मेडिसी है। नेक्स्ट टॉपिक इज थॉमस फुलर। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे थॉमस फुलर के बारे में पढ़ेंगे। 1608 टू 1661 में इनका टाइम पीरियड है। फुलर वॉज अ क्लर्जीमैन एंड रॉयलिस्ट हुज लाइवली स्टाइल एंड विटी ऑब्जर्वेशन वुड नेचुरली प्लेस हिम विद द गे कैरोलाइन पोएट्स। फुलर जो है वो क्लर्जीमैन है और रॉयलिस्ट है, और इनकी जो स्टाइल है, लाइवली स्टाइल और विटी ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं ना कहीं इनको कैरोलाइन पोएट्स के जो गे कैरोलाइन पोएट्स है उसी में इनकी रैंक बन जाती है। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर द होली स्टेट एंड द प्रोफेन स्टेट। इनके जो बेस्ट नोन वर्क्स है उसमें से होली स्टेट और प्रोफेन स्टेट है। चीफली अ बायोग्राफिकल रिकॉर्ड, द फर्स्ट पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमेरस हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स टू बी इमिटेटेड, द सेकेंड ऑफ एग्जाम्पल्स टू बी अवॉइडेड। तो जो इनका वर्क है द होली स्टेट एंड द प्रोफेन स्टेट, ये एक तरह से बायोग्राफिकल रिकॉर्ड है, एक ही वर्क है इनका, ये बायोग्राफिकल रिकॉर्ड है इसमें। और इसमें क्या बताया गया है, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स लिए गए हैं जिसको इमिटेट किया जा सकता है फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में ऐसे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं जिसको अवॉइड किया जा सकता है, मतलब वो अवॉइड करने के लिए है। एक्चुअली इस वर्क में इन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स लिए हैं, उसमें से कुछ जो है वो इमिटेट करने के लायक है और कुछ जो है अवॉइड करने के लायक है। चर्च हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इनका नेक्स्ट वर्क है, अ लाइवली एंड गॉसिपी अकाउंट विच एट लीस्ट एंटरटेन द रीडर्स। तो इनका ये जो वर्क है चर्च हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, एक तरह से ये लाइवली और गॉसिपी अकाउंट है, और ये कहीं ना कहीं रीडर को एंटरटेन करता है। द हिस्ट्री ऑफ द वर्दीज ऑफ इंग्लैंड इनका नेक्स्ट वर्क है, द मोस्ट वर्ल्डली रीड एंड रेसी अकाउंट ऑफ द इम्पोर्टेंट मैन ऑफ इंग्लैंड। एक्चुअली इसमें इन्होंने जो इंग्लैंड के इम्पोर्टेंट लोग हैं उसकी लाइफ अकाउंट को प्रेजेंट किया है, और बहुत ही ज़्यादा ये वर्क इनका पढ़ा गया है इन द कंपेरिजन ऑफ अदर वर्क्स। जेरेमी टेलर 1613 टू 1667। टेलर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द कलर्जी मैन, ही हैज़ बीन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ डिवाइंस एंड अ काइंड ऑफ स्पेंसर इन अ कैसोप। टेलर जो हैं वो ग्रेटेस्ट कलर्जी मैन हैं, और इनको कहीं ना कहीं द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन के नाम से जाना जाता है, और अ काइंड ऑफ स्पेंसर के नाम से भी जाना जाता है। हिज वर्क्स आर द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग 1646, द रूल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ होली लिविंग 1650, होली डाइंग 1651। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जिसमें से द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग 1646 में आता है, द रूल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ होली लिविंग 1650 में, होली डाइंग 1651 में। नेक्स्ट वन इज रिचर्ड बक्सटर 1615 टू 1691, द बिजेस्ट मैन ऑफ हिज एज स्ट्रॉन्गली सजेस्ट बनियान इन हिज लाइफ एंड राइटिंग। रिचर्ड जो हैं वो अपने टाइम पीरियड के बिजेस्ट मैन में से जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो लाइफ है और इनकी जो कैरियर है वो मीन्स राइटिंग जो है वो दोनों ही बनियान से इन्फ्लुएंस्ड है, या उन्हीं को सजेस्ट करता है, मतलब उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, उनके जैसा ही है। हिज टू मोस्ट फेमस बुक्स आर द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट एंड अ कॉल टू द अनकन्वर्टेड। इनके दो फेमस वर्क है, एक है द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट और सेकेंड वन इज अ कॉल टू द अनकन्वर्टेड, बोथ ऑफ विच वर एक्सीडिंगली पॉपुलर। और ये दोनों ही वर्क इनके बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहे रिचर्ड बक्सटर के। इजाक वॉल्टन 1593 टू 1683,
वॉल्टन वॉज अ स्मॉल ट्रेड्समैन ऑफ लंदन। वॉल्टन जो थे वो लंदन के ट्रेड्समैन थे, एक छोटे से ट्रेड्समैन थे। हिज वर्क इज लाइव्स, और इनका जो वर्क है वो लाइव्स हैं, जिसमें इन्होंने किनके किनके लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, डन, वॉटन, हुकर, हर्बर्ट एंड सैंडरसन, और इस तरह से विच स्टैंड एट द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न बायोग्राफिकल राइटिंग। तो इनका ये जो ऐसा माना जाता है कि ये जो मॉडर्न बायोग्राफिकल राइटिंग है उसके लिए एक पाथ जो है, एक रास्ता जनरेट करता है, एक वे जनरेट करता है, मीन्स वहीं से कहीं ना कहीं बायोग्राफी की, जो मॉडर्न बायोग्राफी है उसकी स्टार्ट हुई है। इन 1653 अपीयर द कम्प्लीट एंग्लर, 1653 में इनका एक वर्क आता है द कम्प्लीट एंग्लर, द मोस्ट वर्ल्डली रीड बुक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फिशिंग। तो इनका ये जो वर्क है द कम्प्लीट एंग्लर, फिशिंग टॉपिक पे जितने भी बुक लिखे गए उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनका ये बुक है द कम्प्लीट एंग्लर। इसमें क्या कहा गया है, इट बिगिंस विद द कन्वर्सेशन बिटवीन अ फॉकनर, अ हंटर एंड एन एंग्लर। तो ये जो बुक इनका स्टार्ट होता है एक कन्वर्सेशन के साथ स्टार्ट होता है, और कन्वर्सेशन किसके किसके बीच है, एक फॉकनर के बीच में जो कि बाज को ट्रेन करने वाली या बाज को रखने वाले होते हैं वो, जो कि अ काइंड ऑफ हंटर, हंटर की ही तरह होते हैं ये लोग, शिकारी ही होते हैं, एंड एन एंग्लर। तो इनके बीच जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है उसी कन्वर्सेशन से इनका ये बुक द कम्प्लीट फिशिंग जो है वो स्टार्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो छोटा था बिकॉज क्योंकि इतने ही प्रोज राइटर्स रहे हैं प्यूरिटन एज के, इस उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, और इसके बाद आप लोग रेस्टोरेशन पीरियड को पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।